पिताजी के जितने भी कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन थे उनका सबका जिक्र है और मेरे कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन का जिक्र है। तो आज की यंगर जनरेशन के लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए वो मेरी जर्नी को, मेरे जीवन की यात्रा को उनको देखने को मिलेगा, और मेरे पिताजी का क्या कैरेक्टर था, कैसे इंसान थे, बहुत ही रहम दिल थे और बहुत बड़ा योगदान था मौसीकी का उनका। तो ये मैं 1980 में कुछ नोटबुक्स लिखता था और उसके बाद मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आई एम नॉट ए गुड राइटर। लेकिन वहाँ से फिर आयान ने निकाल के उसको एक किताब के शेप में प्रिंट करके मुझे दिया और ही वॉज वेरी कीन कि मैं इसको कंप्लीट करूँ। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? नहीं, प्रेरणा ये गुरु दक्षिणा है पिताजी के ऊपर। हमारे कोई किताब मार्केट में है नहीं। ऐसे बहुत सारे महान कलाकार हुए हैं जिनकी किताबें मार्केट में नहीं हैं और चंद लोगों की किताबें हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं कि लोग उनको पहचाने, जाने, उनके योगदान के बारे में जाने। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि श्री अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने इतना टाइम दिया, इतने प्यार से उन्होंने बोला और वो आए। और उनको सरोद का शौक़ है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक दिन उनका सरोद सुनूंगा मैं। आप सिखाएंगे कभी? नहीं, एक दफ़ा तो मैं सुनूंगा, उसके बाद फिर मैं सिखाऊंगा। और एक शाम मैंने सोचा कि कुछ आपकी तस्वीरें देख करके, जिस तरह से आपकी मुद्रा रहती है उसके ऊपर कैसे बैठा जाता है, कैसे उंगलियां गिराई जाती है, उसको मैंने अपने आप को प्रेरित करने के लिए वो मैंने सब जमाया और 2 मिनट के अंदर ही समझ गया कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। वो सरोद अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है मेरे घर में, और कभी जब आप अगली बार आएंगे तो मैं आपको कष्ट दूंगा कि आप मुझे उसके ऊपर कुछ धुन बजा करके सुनाएं। हमारी आत्मा जो है वो बहुत खुश है। जब भाई ने जो ये पुस्तक लिखी है अपने पूज्य पिताजी के ऊपर, इसको मैं बहुत अहम मानता हूँ। उनकी बातों से जो भी सीख मिलेगी आज की पीढ़ी को, वो बहुत ही उसको एक प्राथमिकता मिलती है। और इन चीज़ों का बयान जब एक पुस्तक के रूप में आता है जो कि निरंतर रहेगी, तो लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पढ़ेगी और अपने ज्ञान को, अपने विश्वास को, अपनी शक्ति को, अपनी कला को और बढ़ाने में उनको क्षमता मिलेगी। बहुत सारी बातें कहने को हैं। अमजद भाई ने और सुब्रलक्ष्मी जी ने कई शामें हमारे साथ गुजारी हैं जो कि बहुत सुंदर और यादगार नहीं है। सरोद एक मेरा बहुत ही पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट है। न जाने क्यों बहुत ही कम उम्र से ही मुझे सरोद से बहुत स्नेह और प्यार है। जब कभी भी इसे सुनता था तो उस जमाने में रेडियो वगैरह होता था, उस पर कभी भी कोई कार्यक्रम आता था तो उसे मैं सुनता था, और न जाने क्यों एक अजीब लगाव होता था। बहुत ही कठिन इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसको बजाना एक अद्भुत कला होनी चाहिए कलाकार में। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि जैसे कि अमजद भाई भी कह रहे थे कि परमात्मा की बात कर रहे थे, सुर की बात कर रहे थे, सरोद को न जाने सुन करके ऐसा लगता है कि इंसान की आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी है। और इसका उदाहरण अमजद भाई स्वयं हैं और उनकी आने वाली पीढ़ी जो कि हर ऊंचाई पर पड़ रही है, अमान और अयान इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। कई बार सोचा मैंने कि मैं भी सीख लूं सरोद, और हाल ही में मैं बताना चाहूँगा आपको अमजद भाई कि मैंने एक सरोद खरीद लिया है। मानना है हम जो कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, अगर आप हमारे
तुम्हारे बारे में जानना चाहें तो आप तुम्हारी फिल्में देखें। जहाँ तक किताब का सवाल है, मुझे लगता है आपको ऐश्वर्या से पूछना चाहिए इस विषय के ऊपर। ये बात जो बात पानी गई इसी में इस सवाल का जवाब कि इट इज गिवन, यस इट्स बी रिटन एंड रिकॉर्डेड एंड यू नो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज दैट वी हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग द कंपनी बीइंग इन द कंपनी ऑफ सच लेजेंडरी आइकॉनिक पर्सनालिटी सच इमेंस आर्टिस्ट इनक्रेडिबल आर्टिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड सो इमेंसली टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर।